गाइस मैं आपको दिखा दूँ। इधर ये देखिए, आप देख सकते हैं गाजर लगी हुई है और मूली भी लगी हुई है। मतलब तो मूली मैं दिखाता हूँ आपको नज़दीक से। ये देखिए गाइस, कितनी मोटी मूली है, देख सकते हैं आप ना, कितनी मोटी मूली है। और ये गाजर के पेड़ है, गाजर अभी लगी हुई है लेकिन अभी फल नहीं बैठा है। और मूली देख सकते हैं आप गाइस, देखिए ये मूली देखिए गाइस, कितनी प्यारी मूली है। बताओ कितनी अच्छी लग रही है ना, बहुत प्यारी लग रही है। तो इसमें बहुत सी सारी मूली लगाई हुई है अंकल जी ने। और ये देखो चना, ये चने का साग है। ये देखिए, ये सरसों का पेड़ है। अच्छा मटर भी लगा रखी है अंकल जी ने। ये देखिए मटर के पौधे। और देखिए ये देखिए गाइस, ये अभी मटर मतलब छोटी है, अभी फली में बीज आए नहीं है, तो बहुत प्यारी लग रही है। देखिए मटर, मतलब अंकल जी ने ना छोटे छोटे एरिया में बहुत सी चीजें लगा रखी हैं, देख सकते हैं। और आगे मुझे लगता है कि और टमाटर भी लगा रखा है। अच्छा ये देखिए, ये देखिए गाइस, प्याज भी लगा रखी है, हरी हरी वाली ना, ये देखिए हरी वाली प्याज लगा रखी है। तो अंकल जी कब से मेहनत कर रहे हो आप इतनी अंकल? बिल्कुल, अरे कितना प्यारा कर रखा है आपने साग, देखो कितना अच्छा लग रहा है। पालक का साग है अंकल जी ये? बताओ क्या रेट चल रहा है अंकल जी पालक का साग? 20 रुपए। अच्छा 20 रुपए किलो चल रहा है। अच्छा अच्छा तो बहुत अच्छा कर रखा है आपने तो, मतलब हर चीज लगा रखी है, लाई भी है, सब कुछ है। मेथी भी होगी अंकल जी? अच्छा अच्छा 25 आइटम है। कौन कौन से गिनती में तो क्या क्या बताएं आपका, गाजर, मूली, धनिया, मिर्चे, बैंगन। अच्छा बहुत अच्छा, तो आपको अंकल जी बहुत एक्सपीरियंस है मुझे लग रहा है, देख रहे हो कितना अच्छे से। पालक भी बहुत अच्छा लग रहा है मतलब, और ये ऐसे नहीं हो सकता, ये आपका तजुर्बा है, उसी से हुआ है। हाँ हाँ देखो आप काट भी बहुत प्यार से रहे हो उसे, एक किसान को भी पता होती है अंकल जी। हाँ किसान ही जानता है फसल पैदा करना, लेकिन आपको सब पता है कि कहाँ क्या डालना है ना अंकल। ये देखिए गाइस अंकल जी बहुत मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे, और पालक का साग काट रहे हैं अंकल जी। मुझे भी दे दो साग। हाँ देखो अंकल जी का दिल कितना बड़ा है यार, अंकल जी पैसे नहीं है लेकिन मेरे पास। देखिए गाइस ये होता है किसान का जिगरा, किसान का दिल, आप देख सकते हैं। यार अंकल से मिलकर मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लगा अंकल से मिलकर। ये बरसीन है, बरसीन इसका क्या करते हैं, बरसीन का गायों को चारा देते हैं। अच्छा गाय को चारों के लिए है। अच्छा अच्छा ये तो बहुत अच्छा कर रखा है आपने, जानवरों के लिए भी, इंसानों के लिए, सबके लिए कर रखा है आपने, बहुत बेस्ट कर रखा है। अच्छा अच्छा अपनी गाय भी हैं। अच्छा ये तो बहुत अच्छा है कि आप दूसरों को भी शरण दे रहे हो, बहुत अच्छा है अंकल जी। मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा गाइस। इधर अंकल जी ने आलू लगा रखे हैं। अच्छा आलू देखिए कैसा होता है ना, ये देखिए मैं नज़दीक से दिखाता हूँ आपको, ये देख सकते हैं ये आलू के पौधे लगा रखे हैं ना, कितना प्यारा लग रहा है ना ये। देखिए कहाँ तक आलू लगा रखा है अंकल जी ने, ये देखिए यहाँ तक नजर आ रही है ना, ये देखिए आलू ही आलू लगा रखे ना, सब चीज अंकल जी ने लगा रखी गाइस। अच्छा ये देखो राई के पेड़ आ गए, ये राई लगा रखी, ये राई है ना। अच्छा ये राई के पेड़ है, देख सकते हैं आप। अच्छा ये वाली राई छोटी वाली है, और आप देख सकते हैं ना ये बड़ी राई है इधर, ये इसमें फूल भी आ गया गाइस। ये देखिए भाई, ये किसान को भी पता होता है मेहनत कैसे करनी है ना, कैसे फसल होगी करके। ये देखिए इस पर आ चुका है बीज, आ चुका है, तो अभी इसको टाइम लगेगा थोड़ा पकने में ना। यार अंकल आंटी बहुत मेहनत करते हैं और लगे रहते हैं, और आंटी जी की शॉप भी है अंकल जी की, देखो आप सामने देख सकते हो, वही रोड पर लगा रखी है, तो दोनों बहुत मेहनत करते हैं यार। ये देखो मैं दिखाता हूँ, ये शॉप है आंटी जी की, दोनों यार लगे रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। ये देखिए अंकल जी अभी लगी भी है, काम कर रहे हैं बेचारे। तो आंटी जी मुझे दे दो फिर साग। हाँ दे दो पालक वाला ही दे दो। हाँ पालक वाला दे दो। आंटी जी कह रही है ना गाइस कि उधर भी है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। क्यों आंटी दिखा दूँ इनको? बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखिए गाइस इधर भी पालक लगा रखा है, और इधर देखो कितने बड़े बड़े ये हो रखे हैं, मतलब व्हाइट फूल मैंने तो देखा नहीं है भाई। ये देखिए
राई का बाइट फूल है ये तो, और कितने बड़े बड़े पौधे हो रखे हैं ये देखिए गाइस, कितने बड़े बड़े पौधे हैं ये। अच्छे हाँ तो बहुत सारी चीज़ें लगा रखी है, ये देखिए सलजम, क्या बोलते हैं चुकंदर बोलते हैं ना उन्हें, ये देखिए ये देखिए इससे ब्लड बढ़ेगा भाई, ये देखिए देखिए किस किस को अच्छा लगता है चुकंदर खाना गाइस, कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए। ये देखिए और भी बहुत सारी चीज़ें लगा रखी हैं। अच्छा इधर भी कुछ लगा रखा है, ये देखिए यहाँ बैंगन के पौधे भी लगा रखे हैं, और ये अभी बीज डाला है शायद, मुझे लगता है ये धनिया है, ये देखिए आप देख सकते हैं ये। अच्छा इधर एक स्कूल भी आ जाता है ये देखिए। तो यार अंकल आंटी बहुत मेहनत करते हैं, और बेचारे देखो अभी भी लगे पड़े हैं, देखो कितनी मेहनत करते हैं अंकल और आंटी। ये देखिए ये इनकी स्टॉल रही शॉप, तो यहाँ पे सब्जी रख के बेचते हैं, बेचारे बहुत मेहनत करते हैं। ये देखिए तो यार आप भी आइए अंकल और आंटी की स्टॉल पे, और बहुत प्यारी प्यारी मतलब ताज़ी सब्जियाँ लगा रखी हैं अंकल आंटी ने, और बहुत अच्छी मतलब फ्रेश चीज़ें हैं। और आंटी की स्टॉल देख सकते हैं यहाँ पे, ये सभी चीज़ें मतलब यहाँ अंकल और आंटी की यहाँ से ही देखो इसमें खेत से उन्होंने उगाई हैं, तो देखिए सभी चीज़ें। तो अंकल आंटी एक बार बोल दीजिए प्लीज़, लाइक करें शेयर करें, लाइक करें शेयर करें इस वीडियो को। थैंक यू आंटी, थैंक यू।